आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आशा एक भारत में। मेरा रहा सिंह आरा भोजपुर बिहार से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ये जितने भी नेता हैं ये सभी विपक्ष दल के एक साथ बैठे हुए हैं एक चेयर पे, और आज इन्होंने बुलाया है हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। ये बता रहे हैं कि आखिर कल बिहार और भारत बंद क्यों है। बंद आया है, भीम आर्मी ने बुलाया है, उसका समर्थन जो है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष त्रिवेणी प्रसाद, जो कि सामने तस्वीरों में आप देख रहे हैं, वरिष्ठ नेता आरा भोजपुर बिहार के हैं, ये बैठे हुए हैं। इनके साथ ब्रजेश यादव जो कि जन अधिकार पार्टी से हैं, ये बैठे हुए हैं। इनके साथ आरजेडी के यहाँ के यूनिवर्सिटी अध्यक्ष जो है वो बैठे हुए हैं, भाकपा माले के पप्पू कुमार बैठे हुए हैं, भीम आर्मी के नवनीत कुमार जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं वो सभी बैठे हुए हैं। तो हर एक पार्टी के जो दल के नेता हैं वो आए हुए हैं। तो क्या बात है और क्यों इन्होंने बंद बुलाया है, इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले सर, किस तरीके से बंद को देख रहे हैं और क्यों बुलाना पड़ गया आपको बंद, क्या कारण हो गया कि आपने समर्थन दिया है भीम आर्मी को? भारत के संविधान के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ भारत सरकार कर रही है। हम सभी विपक्षी पार्टी पूरे भारतवर्ष में इसके विरोध में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा शोषित दलित अल्पसंख्यक सबके लिए भारत के संविधान में उन्होंने एक समुचित व्यवस्था दी थी। 70 साल में भारतवर्ष में जो आज का माहौल है, जो सारे भारतवर्ष में नर और नारी दोनों सड़कों पर हैं, 2 महीने से सड़कों पर हैं, और भारत की सरकार अडिग होकर देश को खंडित करने के लिए, कमज़ोर तबका को मारने के लिए, कमज़ोर तबके के लोग को वोट से वंचित करने के लिए नाना प्रकार की संविधान में संशोधन कर विरोधाभास उत्पन्न कर रही है। उसके विरोध में विपक्षी पार्टियों द्वारा जो भी धरना प्रदर्शन और बंद का आह्वान किया गया है, कांग्रेस पार्टी का उसका पूर्ण समर्थन प्राप्त जी। मैं पंकज कुमार लोक जनशक्ति पार्टी से हूँ। हमारी पार्टी तो खैर सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन चूंकि मैं इस समाज के हूँ, SC ST समुदाय से हूँ, और SC ST समुदाय के लोगों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जो कि आपका रिजर्वेशन आरक्षण से होता है क्या कि हम लोग की नौकरियों में मदद मिलती है, प्रतिनिधित्व वहाँ चुना जाता है। तो इस आरक्षण को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये क्या कहा गया कि आपका ये मौलिक अधिकार नहीं है, और राज्य चाहेगा तो दे सकता है या नहीं दे सकता। इसके लिए हमारा समाज जो है काफ़ी जागृत हुआ, और कल 23 फरवरी 2020 है, पूरे भारत और पूरे बिहार बंद रहेगा। इस बंद में हम अपना पूर्ण समर्थन है, जहाँ हम लोग बंद करेंगे पूरे शांति तरीके से, क्योंकि इसमें सारे पढ़े लिखे लोग हैं। आपकी पार्टी तो समर्थन नहीं कर रही है? मेरी पार्टी समर्थन नहीं कर रही, लेकिन चूंकि मैं उस समाज से हूँ मैं समर्थन कर रहा हूँ। पार्टी अपना रह जाए, मैं एडवोकेट पंकज कुमार अधिवक्ता हूँ सिविल कोटारा में। पूरी पार्टी सारी इकाई रोड पर रहेगी, शांतिपूर्ण तरीके से बंद किया जाएगा सारे लोगों को, भीम आर्मी के आह्वान पे जो सारे विपक्षी दलों को जो समर्थन मिला है, तो निश्चित तौर पर पूर्ण सफल दिखाई देगा। जो लगातार युवाओं पर जो हमले हो रहे हैं बेरोजगारी के खिलाफ, उद्योग धंधे बंद कराया जा रहा है, आरक्षण पर हमला बोला जा रहा है, आपके संविधान पर हमला बोला जा रहा है, लोग यहाँ भय के माहौल में चल रहे हैं, लगातार लूट हत्या बढ़ती जा रही है, बलात्कार बढ़ता जा रहा है, इस पर ध्यान किसी सरकार का नहीं है, सिर्फ NRC और NPA को लेकर
आरक्षण हटाओ, लोगों को गुमराह करके ये ऐसी जो चाल चल रही है, जो सरकार की जो मंशा है ये हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। सारे विपक्ष इधर रहकर निश्चित तौर पर इस मान सरकार को हम लोग भागाने का काम करेंगे। पप्पू यादव ने भी मैसेज भेजा था, पप्पू यादव के फेसबुक अकाउंट से भी मैसेज आया है, उन्होंने कहा है, आह्वान दिया है पूरे कार्यकर्ताओं को कि आप बंद कीजिए, हम सभी आपके साथ हैं। किस तरीके से पूरे बिहार में रहेगा आप सभी का बंद का? हम पूरे बिहार में, अब चूंकि पूरे प्रदेश से अपना जो फरमान जो जारी हुआ, हम लोग अपने जिला में शांतिपूर्ण तरीके से सभी जगह सारे इकाई के लोग रहेंगे। चलिए, ये ब्रजेश यादव थे जन अधिकार पार्टी से, और भी लोग हैं यहाँ पे, काफी सारे आरजेडी के भी लोग हैं यहाँ पे, क्या कहिएगा? बंद का राष्ट्रीय जनता दल ने समर्थन दे दिया है, बंद पूरी तरह से सफल होगी। और देखिए, संविधान बचाने की बात है तो इस हिटलरशाही राज में संविधान बचाने के लिए हम सभी युवा वर्ग, हम सभी पिछड़े दलित शोषित वर्ग कम्युनिटी के लोग को एक साथ आना चाहिए और एक साथ पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़नी चाहिए। ये लड़ाई किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, ये लड़ाई संविधान की लड़ाई है, आरक्षण की लड़ाई है। आज दलित शोषित वंचितों को जो आरक्षण का लाभ मिलता है उसकी लड़ाई है। और कल देखिए, आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी आरक्षण को ही बचाने के लिए कल रथ की शुरुआत करेंगे, और भीम आर्मी भी आरक्षण और संविधान के पक्ष में ही कल बंदी बुला रही है, तो हम लोग साथ हैं। तेजस्वी यादव पूरा चाय की चुस्की लेके काफ़ी सारा बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश की सरकार को इस बार बिगाड़ देंगे, लेकिन विपक्ष के दल के द्वारा कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव तो चेहरा ही नहीं है। आप क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव सीएम के चेहरा है? युवा पीढ़ी क्या देख रही है? देखिए, तेजस्वी यादव ही एक ऐसे युवा चेहरे हैं जो बिहार में ही नहीं पूरे देश में घूमकर सीएम बनने लायक है। बात सुनिए पहले मेरा, पूरे देश में घूमकर संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और युवाओं को आग्रह कर रहे हैं कि साथ आइए, संविधान बचाइए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी आप ही से सवाल पूछेगी। आप भी मीडिया वाले हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है, आपसे भी सवाल पूछेगी आने वाली पीढ़ी कि आप संविधान बचाने के लिए आगे क्यों नहीं आए। तेजस्वी जी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों को एकजुट करने की लड़ाई, ये बात को घुमा रहे हैं। इन्होंने सीधा तौर पे जवाब नहीं दिया कि सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव होंगे कि नहीं। भाकपा माले से पप्पू कुमार हैं, क्या कहिएगा? ये देखिए, जो 23 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया गया है भीम आर्मी SC ST OBC समाज के द्वारा, उसका हमारी पार्टी पूर्ण रूप से समर्थन करती है। और इस देश में जो हालात बना हुआ है, एक तरफ हमारे जो इस देश के चौकीदार हैं वो सूट बूट पहन के अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उसके स्वागत में लगे हुए हैं, और पूरा देश जल रहा है। NRC के खिलाफ जल रहा है, NPR के खिलाफ जल रहा है, CA के खिलाफ चल रहा है, पूरा देश में शाहीन बाग बना हुआ है। एक तरफ आरक्षण पे हमले जारी हैं, एक तरफ बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, भुखमरी जो है बहुत चरम पे है, देश का GDP डाउन हो रहा है, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, और हमारे देश का चौकीदार जो है एकदम मस्ती में है। तो हम लोग उनके इस मस्तीगिरी को छुड़ाने के लिए जो है NRC CAA NPR के खिलाफ में आरक्षण बचाने के लिए, रोजगार बचाने के लिए भारत बंद का जो आह्वान है उसमें उतरने जा रहे हैं। और हमारी पार्टी, चाहे वो CA का मामला हो, चाहे NRC का मामला हो, चाहे NPR का मामला हो, चाहे जो नौकरी में आरक्षण जो मिलता है प्रोन्नति में उसका मामला हो, इन तमाम मामले पे पार्टी जो है हमारी मजबूती के साथ लड़ रही है। अभी आगामी 25 फरवरी को हमारी पार्टी विधानसभा का घेराव करने जा रही है, और हमारा जो संगठन है अभी ये दिल्ली में यंग इंडिया एक बना हुआ है बैनर, उसके माध्यम से पूरे देश के 80 संगठनों द्वारा ये रामलीला मैदान में NRC CA NPR और आरक्षण के लिए रामलीला मैदान में हम लोग 3 मार्च को दिल्ली में भी पहुंचने वाले हैं। तो हम लोग कल बंदी में उतरेंगे मजबूती के साथ, और हमारा पार्टी कल उतरेगा। चलिए, तो हमारी पार्टी जो है वो उतरेगी बंदी में, इनका कहना है। यहाँ पे राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष राजा पासवान है, वो कन्नी काट गए, उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल यही रहेगा, तेजस्वी यादव
महागठबंधन के चेहरा होंगे कि नहीं, आप पूरे महागठबंधन के लोग जो हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या कहिएगा इन लोगों के सामने, क्या कहना चाहिएगा? गठबंधन के पास चेहरा ही नहीं है, तेजस्वी यादव हमारे सीएम हैं, भावी सीएम उम्मीदवार तेजस्वी जी हैं, SC ST OB संगठन, तमाम बिहार के दलित संगठन है, जो भी SC ST OB संगठन है, सबने समर्थन करने का काम किया है, तेजस्वी जी समर्थन किए हैं पूरे बिहार में, ये सोचने की विषय है। पप्पू यादव इससे खिलाफ में है, पप्पू यादव की पार्टी के बैठे हुए ब्रजेश यादव, वो तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव, ये सोचने की विषय है कि आगामी 23 को हमारा भी बेरोजगारी हटाओ का रैली है, जब उस रैली में हम लोग इस जगह पर समझौता करके और समर्थन करने का काम किया है, तो साफ जाहिर होता है कि तमाम संगठन वहां हम लोगों को सहयोग करेगा और तेजस्वी जी को सीएम बनाने में बहुत मजबूती से बिहार के लोग साथ देंगे। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि बहुत मजबूती से बिहार के लोग साथ देंगे। तो हमने अभी आपको बताया, पूरे महागठबंधन के चेहरे से बात कराया, अलग अलग दल के लोगों से बात कराया, भीम आर्मी के बारे में मैं बताना चाहूँगा, उसके बाद भीम आर्मी के लोगों से मैं बात कराऊंगा। भीम आर्मी 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, यूपी के सहारनपुर से इसकी स्थापना हुई थी, और भीम आर्मी 2015 में जब स्थापना हुई उसके बाद अभी तक ये संगठन काफ़ी सारे जो बड़े मुद्दे हैं उसने उठाया है। 2018 में भी इसने एक काफ़ी बड़ा मुद्दा उठाया था, जो SC ST एक्ट को सरकार को फिर वापस लेना था, लेना पड़ गया था, रोड पे पूरी भीम आर्मी उतर गई थी, और उसके बाद इसका चेहरा जो है वो पूरे भारत में एक अलग रूप लिया था। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष नवनीत कुमार, क्या कहिएगा, किस तरीके से देख रहे हैं? हम बता दें आपको कि 2 अप्रैल 2018 को भीम आर्मी और पूरी समाज SC ST एक्ट के लिए संविधान के मानने वाले लोग उतरे थे, उससे भी ज़्यादा और उससे भी बड़ा आंदोलन कल 23 फरवरी को भारत बंद होगी, और पूरी क्षमता के साथ हम पूरा भारत को चक्का जाम कर देंगे, रोक देंगे। अच्छा, एक सवाल है कि आपकी मेन मुद्दे क्या है? इन्होंने तो बताया कि NRC NPR CA के खिलाफ और नौजवान के बेरोजगारी के खिलाफ आपके ही आह्वान पे ये लोग आ रहे हैं, तो इनको आप कैसे कन्विंस करेंगे, क्या मुद्दा होगा, मेन मुद्दा आप लोगों का क्या होगा? देखिए, जो कल की बंदी है NRC CA NPR और आरक्षण में जो छेड़छाड़ हो रही है, और जितने भी संविधान प्रेमी राजनीतिक दल हैं, सामाजिक दल हैं, उनको संविधान से प्यार है, उसको ले करके, और वो देख रहे हैं कि ये बंदी सही मायने में संविधान के साथ है, जनता के हित की बंदी है, इसलिए वो हमारे साथ आ रहे हैं। तो देखिए, ये थे प्रदेश उपाध्यक्ष, हमारे साथ संजीव पासवान छात्र प्रधान भीम आर्मी के हैं, क्या कहिएगा आप? आपके प्रदेश उपाध्यक्ष भी यहाँ पे हैं, काफ़ी सारे अलग अलग पार्टी के लोग भी आए हुए हैं, क्या संदेश रहेगा, किस तरीके से छात्रों को इकट्ठा कीजिएगा, क्योंकि आप छात्र के प्रधान हैं, छात्र किस तरीके से कन्विंस होंगे, और क्या रोजगार मिली छात्रों को, और किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था है बिहार? बिहार की शिक्षा स्थिति बहुत ही खराब है, और हमारे राजकीय अम्बेडकर कल्याण छात्रावास कतिरा आरा से हमारे छात्र यहाँ पे सारी पढ़े लिखे हैं, और शांतिपूर्ण हम लोग कल समर्थन में उतरेंगे, शांतिपूर्ण समर्थन में उतरेंगे। तो यहाँ पे जिस तरीके से आपने देखा, काफ़ी सारे अलग अलग दल के नेता जो हैं यहाँ पे आए हुए हैं, और ब्रजेश यादव काफ़ी जुझारू नेता हैं, काफ़ी संभल के बोलना पसंद करते हैं, तब भी इनसे हमने बातें की और काफ़ी अच्छे अच्छे मुद्दे को इन्होंने उठाया है। साथ में यहाँ पे भाकपा माले के नेता आए हुए हैं, आयशा के नेता आए हुए हैं, कि भाकपा जो कि भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं वो आए हुए हैं, RJT के प्रदेश उपाध्यक्ष छात्र के राजा पासवान ने भी बातें रखी हैं। अगर ये बात और भारत बंद जो कि कल बुलाया जा रहा है, इनसे आप सहमत हैं, तो इस वीडियो को ढेर सारा शेयर कीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे जरूर से जरूर जाके लाइक कीजिएगा, जिससे कि आप सभी को अपडेट मिलता रहे। आशा एक भारत के लिए मैं रैना सिंह, कैमरामैन टूना कुमार पासवान के साथ। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।